हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता सोनी, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल अली कुकिंग टिप्स में। आज हम बनाएंगे सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली सबकी ऑल टाइम फेवरेट पाव भाजी। एक ऐसी चीज जो हम कभी भी बना सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, और सर्दियों में तो इसका मजा ही कुछ और है। आज की पाव भाजी मैं बनाने वाली हूँ एक सीक्रेट टिप्स के साथ। पाव भाजी हम बनाना स्टार्ट करते हैं। भाजी बनाने के लिए हमने लिए है 3 आलू, 1 गाजर, 1 बीटरूट और 3 टमाटर और मटर। भाजी को फ्राई करने के लिए हमने लिया है 1 बड़ा प्याज, इसे हमने बारीक काट लिया है, 1 शिमला मिर्च, ये 2 हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट, पाव भाजी मसाला 1.5 चम्मच चाहिए हमारे पास, बटर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, नमक। भाजी बनाने के लिए हम सबसे पहले सभी सब्जियों को बॉईल करेंगे। इसमें हम मटर भी ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। इसमें हम 1.5 कप पानी ऐड करेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने 1.5 कप पानी ऐड किया है और 1 चम्मच नमक ऐड किया है। इसमें बीटरूट डालना जरूरी है क्योंकि इससे कलर एकदम बाजार जैसा आएगा। इसमें हमने कोई भी फूड कलर का यूज नहीं करेंगे। अब इसे हम 2 सीटी आने तक ढककर पकाएंगे। एक कढ़ाई में हमने 1 चम्मच तेल गरम किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे बटर। बटर हमारा अच्छे से गरम हो गया है। अब इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हमें गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई करना है। प्याज को हम लो फ्लेम पर रखेंगे। इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और शिमला मिर्च ऐड करेंगे। इसे हमें 3-4 मिनट तक अच्छे से फ्राई करना है। अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। हमने लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, इसमें हम 1/2 चम्मच नमक ऐड करेंगे। नमक हमने सब्जियों में भी ऐड किया है इसलिए इसमें हम नमक थोड़ा सा कम ही ऐड करेंगे। इन सभी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे। हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो गया। सब्जियां हमारी बॉईल हो गई है। इसे अब हम एक मैशर से अच्छे से मैश करेंगे। गैस के फ्लेम को हम हाई पे करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। सब्जियों को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। इसे अब हम मसाले में ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर भाजी हमें थिक लगती है तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। भाजी को हमने 3-4 मिनट के लिए पका लिया है। इसमें थोड़ा सा बटर और ऐड करेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1/2 चम्मच हम नींबू का रस ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। भाजी हमारी बन करके तैयार है। पाव सेकने के लिए हमने तवा गरम कर लिया है। इस पे हम लगाएंगे बटर। इसमें हम 1 चम्मच भाजी डालेंगे। पाव को हमने बीच में से कट कर लिया है। पाव को हम ऊपर से भी बटर से ग्रीस करेंगे। पाव को हमने दोनों तरफ से अच्छे से सेक लिया है। पाव अच्छे से सेक कर तैयार है।
अब इसे हम सर्व करेंगे। पाव भाजी बनकर के तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी।